नमस्कार दोस्तों, सांगोपांग में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कीकर की, साथ ही चर्चा करेंगे कि देसी कीकर व विलायती कीकर या जंगली कीकर में क्या फर्क है। आपसे आग्रह है कि सांगोपांग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों कुछ साथियों ने देसी व विलायती कीकर में फर्क बताते हुए वीडियो बनाने का सुझाव दिया था, तो आज बात करते हैं इसी कीकर की। सबसे पहले हम दोनों तरह के कीकर को अलग अलग जानेंगे, फिर बताएंगे कि इनमें फर्क क्या है। देसी कीकर या बबूल की बात करें, कीकर पूरे भारत में पाया जाने वाला एक कांटेदार पेड़ है। गांवों में कीकर की दातुन को कौन नहीं जानता। इसके तने से निकलने वाला गोंद बहुत गुणकारी होता है। यही नहीं, देसी कीकर की पातड़ी या फलियां भी बहुत गुणों वाली होती हैं। इस कीकर की लकड़ी जलावन के साथ साथ इमारती लकड़ी के रूप में काम आती है। देसी कीकर या बबूल का वानस्पतिक नाम अकासिया निलोतिका है। यह अकेसिया प्रजाति का पेड़ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है। भारतीय भाषाओं में इसे बबूलो, करुबेलमरम, बाबला, कारुवेलकाम व बबूल भी कहा जाता है। देसी कीकर के पीले फूल लगते हैं और फिर लंबी फलियां या पातड़ी लगती हैं। यह पातड़ी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। भेड़, बकरी व ऊंट आदि इसे बड़े चाव से खाते हैं। स्वदेशी उपचार में बबूल की छाल या छोटे तथा ये फलियां काम आते हैं। आपको बता दें कि थार के रेगिस्तान में खेजड़ी के साथ साथ कीकर का पेड़ बहुत आयत में मिलता है, क्योंकि यह कम पानी में भी फलने फूलने वाला पेड़ है। अब बात करते हैं विलायती या जंगली कीकर की। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है। आम भाषा में इसे जूली फ्लोरा, जंगली कीकर, विलायती या बिलायती कीकर, विलायती खेजरा, अंग्रेजी बबूल भी कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह भारतीय मूल का नहीं है। यह मुख्यतः मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और कहा जाता है कि 70 के दशक में इसके बीज अमेरिका से भारत में लाकर छिड़के गए थे। भारत ही नहीं कि अन्य देशों में इसे अवांछित वीड माना जाता है। भारत में केरल सहित कई राज्य विलायती कीकर को प्रतिबंधित कर चुके हैं। कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि इस पेड़ के फायदे कम नुकसान ज्यादा हैं। हालांकि काजरी सहित अनेक संस्थान विलायती कीकर की लकड़ी और इसके फलियों से अनेक तरह के उत्पाद बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब बात आती है देसी कीकर व विलायती कीकर में फर्क की। जैसा इनके नाम से स्पष्ट है, बड़ा फर्क तो यही है कि देसी कीकर भारत का है, विलायती कीकर बाहर से आया है। कहते हैं कि 30-40 साल पहले अरावली की पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से इसके बीज छिड़कवाए गए थे। धीरे धीरे विलायती कीकर का पेड़ हाईवे व रेल पटरियों के साथ साथ पूरे देश में फैल गया और कई इलाकों में तो यह बहुत बड़ा संकट भी बन चुका है। दूसरा फर्क इनके आकार का है। इनके तने को देखें तो देसी कीकर पूर्णतया पेड़ है, जबकि विलायती कीकर झाड़ीनुमा पेड़ है। इसका तना मोटा नहीं होता, जबकि देसी कीकर का तना डाली नीम की तरह मोटा होता है। देसी कीकर की फलियां या पातड़ी पतली, कम लंबी व हल्की हरी होती हैं। वहीं विलायती कीकर की फलियां अधिक लंबी मोटी होती हैं। पकने के बाद वे एकदम पीली हो जाती हैं। दोनों के स्वाद में भी काफी फर्क है। कांटों या सूल की बात करें तो देसी कीकर के कांटे छोटे, पतले व सफेद रंग के होते हैं। वहीं विलायती कीकर के कांटे मोटे व भूरे रंग के होते हैं।
बड़ी बात, देसी कीकर किसान उगाता है जबकि विलायती कीकर तो अपने आप ही उग जाता है। विलायती कीकर की लकड़ी की ईंधन के रूप में भले ही अच्छी खपत हो, लेकिन उसे खेतों में फसलों के लिए अच्छा नहीं माना जाता और किसान उससे बचते हैं। दोस्तों, पेड़ की बात चल रही है तो बता दें कि हमने राजस्थान की वनस्पतियों व टाली के पेड़ पर दो अलग अलग वीडियो बनाए हैं। इनके लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में है, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं। यह तो बात रही देसी और विलायती कीकर की। उम्मीद है कि हम आपको इनके फर्क को समझा पाए। कृपया संगोपंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी का निशान दबाएं। ऐसी ही एक और अनूठी जानकारी के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप संगोपंग के बाकी वीडियो भी देखें। धन्यवाद।